जैसा कि प्रोजेक्शन में आपको बताया गया था आइसोमेट्रिक ऑब्लिक और परस्पेक्टिव, अब इसका दूसरा जो भाग है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हम एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे और पढ़ने से इसको थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली करेंगे। जैसा कि पूर्व में ही वर्णन किया जा चुका है कि ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में वस्तु के किनारों से समानांतर प्रक्षेप रेखाएं ऐसे समानांतर प्रक्षेप रेखाएं ऐसे तीन तलों पर खींची जाती है जो एक दूसरे के लंबवत हो। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप खींचने के लिए निम्न शब्दों का समझना आवश्यक है। देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सबसे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया गया है कि वस्तु के अलग अलग भागों को बनाना ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है, या फिर जिसको हम लंबकोणीय प्रक्षेप भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ेंगे। प्रक्षेप तल, सबसे पहला है आपका प्रक्षेप तल, वह तल जिस पर किसी वस्तु की आकृति बनाई जाती है प्रक्षेप तल कहलाता है। सपोज कीजिए कि आपका ये एक ड्राइंग शीट है और इस ड्राइंग शीट पे आपने बॉर्डर बनाई और यहाँ पे आप जो भी चीज़ बनाओगे वो आपका ये प्रक्षेप तल रहेगा और ये ड्राइंग शीट रहेगी। इसको हम बोलेंगे ड्राइंग शीट। और यहाँ पे आप अपना जो टाइटल बॉक्स है वो बनाओगे और बाकी यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शन से बनाओगे उसको प्रक्षेप तल कहेंगे। दूसरा आपका है क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लान, वह तल जो क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो क्षैतिज तल कहलाता है। ऊर्ध्व तल, वह तल जो क्षैतिज अक्ष के लंबवत हो ऊर्ध्व तल कहलाता है। अतिरिक्त ऊर्ध्व तल, वह ऊर्ध्व तल जो क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्व तल दोनों के लंबवत हो अतिरिक्त ऊर्ध्व तल कहलाता है। इसे ऑक्सिलरी ऊर्ध्व तल, एक्सिलरी ऊर्ध्व तल भी कहते हैं। अगला है क्वाड्रेंट पाथ, क्वाड्रेंट क्षैतिज एवं ऊर्ध्व तलों के एक दूसरे को लंबवत काटने से चार क्षेत्र बनते हैं जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र पाद कहलाता है। इनके नाम प्रत्येक नाम है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद। या हम इनको एक अंश के नाम से या भागों के नाम से भी जान सकते हैं कि प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। इसको अगर हमको थोड़ा सा समझें हम तो ये जो भाग होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। ये आपका तल हो गया, इसको हम एक तल कह लेंगे। ये आधार हो गया, आधार से एक इसका वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, या फिर इसको हम ऐसा भी बना के देख सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसका ये प्रथम, द्वितीय, आपका तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। इसको अगर हम आइसोमेट्रिक थोड़ा सा समझे तो इस प्रकार से ये होता है, इस प्रकार से। तो ये वाला जो भाग है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसे ही जो इसमें कहा गया है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ये वाले होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पाद, यानी क्वाड्रेंट पार्ट, इसके चारों भाग होते हैं और इसी के अनुसार हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को समझते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि वीडियो के माध्यम से हमारी जो क्लास लग रही थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रक्षेप चैप्टर। तो प्रक्षेप जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें ही आज हम कुछ आगे की ओर पढ़ेंगे। तो जैसा कि था, इससे पहले हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, क्वाड्रेंट के बारे में हमने ये जाना था कि ये कितने भाग होते हैं इसके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब अगला हम पढ़ेंगे आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब है क्षैतिज एवं ऊर्ध्व तलों के मिलने वाले स्थान पर बनने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व तलों के, क्षैतिज और ऊर्ध्व तलों के मिलने वाला स्थान, यानी कि यह आपका क्षैतिज हो गया और ये आपका एक ऊर्ध्वाधर होगा, यहाँ पे जो मिलने वाला स्थान है यही आपका आधार रेखा कहलाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, आधार रेखा कहेंगे। अगला है प्रकाश किरणें, लाइट रेज, किसी वस्तु के किनारे से चित्रपट पर खींची गई सरल रेखाओं को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए, सरल रेखाओं को प्रकाश किरण का मीन्स ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे कोई भी पार्ट हम बना रहे हैं, भले ही वो फर्स्ट एंगल हो, थर्ड एंगल हो हमारा, और इस एक किनारों से, प्रत्येक किनारों से हल्की हल्की जब हम रेखाएं खींचते हैं और ये रेखाएं यूँ घूमती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रेखाएं बोलते हैं। और ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि हम आगे जब बनाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला है हमारा हाइड्रिल कोण, क्षैतिज एवं ऊर्ध्व तलों के एक दूसरे को काटने से बने चारों पादों का संयुक्त नाम हाइड्रिल कोण। संयुक्त नाम का मीन्स हो गया ये,
ये जो चारों पदों का ये होता है इसको हम हाइड्रल कोण कहते हैं। अगला है हमारा फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट कह लो से या फिर हम एलिवेशन कह लो, देखो किसी भी वस्तु के हमको जो दिखाई देते हैं भाग वो तीन भाग होते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक आइसोमेट्रिक है, ये एक आइसोमेट्रिक है जो कि 30 डिग्री और 30 डिग्री में बनाया गया है। अगर हम बात करें तो इसका ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे फ्रंट, ठीक है। देखिए इस जो ये आइसोमेट्रिक है इसका ये वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे फ्रंट, ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम कहेंगे साइड। साइड को हम ऐसे कुछ एक्स बना के इसको समझ लेते हैं, ये आप हमारा साइड हो गया। और तीसरा जो होता है इसका ये होता है टॉप। फ्रंट को हम एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं, साइड आपका साइड रहता है, और टॉप को हम प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो टॉप, साइड और फ्रंट, यानी कि किसी भी आइसोमेट्रिक के हमें तीन ही भाग दिखाई देते हैं, तीन दृश्य दिखाई देते हैं, जिनको हम तीन नामों से जाना जाता है, फ्रंट, साइड और टॉप। तो फ्रंट एलिवेशन, इसको एलिवेशन कहे आप या फ्रंट कहे, किसी वस्तु का वह दृश्य जो उसे सामने की ओर से देखने पर ऊर्ध्व तल पर बनाता है, फ्रंट एलिवेशन या एलिवेशन कहलाता है। फ्रंट एलिवेशन कह लो उसे या एलिवेशन भी कह सकते हैं आप, कहते हैं। अगला है आपका साइड एलिवेशन। देखिए अब इस चित्र के माध्यम से हम कुछ इसका जो फ्रंट है वो समझेंगे कि फ्रंट को कैसे पहचाना जाता है किसी भी चित्र में। फ्रंट को पहचानने के तीन तरीके होते हैं आपके पास में, तीनों तरीकों से ही आप फ्रंट को किसी भी चित्र में पहचान सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो तो है आपका कि जिस चित्र में आपका अलग से लिखा हुआ ही आ जाए फ्रंट, या तो आपको F करके लिख दिया जाए या एलिवेशन करके लिख दिया जाए, उसे ही हम फ्रंट मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रत्येक चित्र के तीन पार्ट होंगे, फ्रंट, साइड, टॉप। तो फ्रंट को पहचानना थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, फ्रंट कहो या उसे एलिवेशन कहो। तो फ्रंट या एलिवेशन के लिए हम क्या करेंगे कि या तो पहली कंडीशन जो है जिसमें हमारा फ्रंट या एलिवेशन हमारे पास में लिखा हुआ रहता है, दूसरी जो कंडीशन है उस कंडीशन में हमारे पास में लिखा हुआ भी नहीं रहेगा, केवल हमारे पास में एक तीर का निशान दे दिया जाता है या तीर का निशान बना दिया जाता है जिस साइड में फ्रंट होता है। सपोज कीजिए ये चित्र है, इसमें अगर मैं यहाँ पे एक तीर का निशान बना देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस साइड वाला जो पार्ट है, इधर वाला, ये वाला, इसको हम फ्रंट मानेंगे। इस साइड को क्या मानेंगे हम? फ्रंट। और अगर ये फ्रंट हो जाएगा आपका तो इधर वाला आपका साइड हो जाएगा और ऊपर वाला जो है वो टॉप ही होगा आपका। तो दूसरी कंडीशन है आपका तीर का निशान। जैसे कि मैंने बताया तीन कंडीशन है या तीन तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि किसी भी आइसोमेट्रिक में फ्रंट कौन सा है। पहला तरीका आपका होता है फ्रंट या एलिवेशन लिखा हुआ आ जाएगा, दूसरे तरीके में तीर के, और जो तीसरा तरीका होता है उस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी आइसोमेट्रिक में फ्रंट भी लिखा हुआ नहीं है, तीर का निशान भी नहीं बना हुआ है, तो डायरेक्ट हम जो चित्र की डायमेंशन होगी, सपोज कीजिए ये जो डायमेंशन है इसकी ये है 50 mm की, और ये वाली जो डायमेंशन है ये इसकी है 55 mm की। तो जो भी चित्र की डायमेंशन होती है उसमें हम ये समझ लेते हैं कि जो साइड इसकी बड़ी होती है उसे ही हम फ्रंट मान लेते हैं। जो साइज इसकी बड़ी होगी, सपोज कीजिए इस चित्र में आपका इधर से 50 mm है और इधर से 55 mm है, तो वो जो 55 mm वाली साइड होगी यही इसकी फ्रंट होगी। और अगर इसको हम फ्रंट मान लेंगे क्योंकि इसकी साइज बड़ी है इसलिए इसको हम फ्रंट मानेंगे, ये फ्रंट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका ये साइड हो जाएगा और ये इसका टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि किसी भी आइसोमेट्रिक में फ्रंट कौन सा होता है, टॉप कौन सा होता है और साइड कौन सा होता है, ये चीज़ डिपेंड करती है फ्रंट पे। फ्रंट जब हमारे पास में आ जाएगा तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली साइड होगी और टॉप आपका टॉप ही रहेगा। देखिए इस चित्र के माध्यम से हम सीखेंगे कि जो ऑर्थोग्राफिक के अंदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है तो फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू कैसा बनता है और थर्ड एंगल में कैसा बनता है या कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल की। फर्स्ट एंगल में जो भी आइसोमेट्रिक होता है, तो जैसे कि चतुर्थांश आपके चार होते हैं, बताया था आपको ये चार चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट एंगल की जहाँ पे बात हो रही है तो यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में इसमें इसका फ्रंट आएगा, ठीक है। लेकिन फ्रंट जो है ऊपर की ओर आएगा लेकिन राइट हैंड आएगा या लेफ्ट हैंड, यानी कि दाएं आएगा या बाएं आएगा, इस चीज़ का पता लगेगा हमारे चित्र के अकॉर्डिंग। चित्र के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगाना है सबसे पहले कि फ्रंट कौन सा है। तो चित्र में जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फ्रंट है,
फ्रंट लिखा हुआ है, ये साइड है आपका और ये टॉप है, और इसमें फर्स्ट एंगल के अंदर इसके ऊपर जो है वो फ्रंट व्यू आएगा, लेकिन राइट हैंड आएगा या लेफ्ट हैंड आएगा ये आपको देखना है। तो हमेशा फर्स्ट एंगल में आपका जिस साइड में फ्रंट व्यू दिया हुआ हो, जैसे इसमें ये जो चित्र है आपका, इसको हम यूँ मान सकते हैं ये आधार हो गया आपका, ये 30 डिग्री इधर 30 डिग्री है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो जो लेफ्ट साइड में आपका इस साइड में इसका फ्रंट दिया हुआ है, यानी कि इसमें इसका फ्रंट इस साइड में दिया हुआ है, तो इसके राइट में छोड़ के इस साइड में अगर इसका दिया हुआ है तो इसके राइट में आएगा, लेफ्ट को छोड़ के राइट में इसका फ्रंट बनाया जाएगा। तो इसका जो फ्रंट है यानी कि वो फ्रंट बनेगा आपका यहाँ पे इस प्रकार से, ये आपका इसमें फर्स्ट एंगल के अंदर इसका फ्रंट बनेगा जिसको हम फ्रंट मानेंगे, और ये इसका अगर फ्रंट हो गया तो इसका साइड, साइड इसके जस्ट अपोजिट साइड में आएगा, तो साइड इसका अपोजिट साइड में ये, यानी कि इसका जो साइड है आपका वो ये इस प्रकार से, और जैसे कि आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो इसमें आपके इसके अकॉर्डिंग लाइनें जो आएगी आपकी ये और ये लाइन आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये इसका हो गया फ्रंट और ये हो गया साइड। अगर बात करें हम आइसोमेट्रिक की, तो आइसोमेट्रिक में आपका ये हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं, जो साइड है आपका ये राइट साइड है और फ्रंट जो है ये लेफ्ट साइड है, लेकिन इसमें अपन ने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि आएगा ऊपर ही लेकिन इसका जो है फ्रंट, फ्रंट इस साइड में दिया हो तो इधर आएगा, और अगर इधर इसका दिया हुआ होता तो ये इधर बनता। और हमेशा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है इसी के साथ साथ, कि जो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के नीचे आएगा फर्स्ट एंगल के अंदर, फर्स्ट एंगल के अंदर इसका टॉप व्यू यहाँ पे आएगा, तो इसका जो टॉप व्यू रहेगा आपका वो टॉप व्यू फ्रंट का, ये साइड है तो फ्रंट की साइड से इसको अगर हम घुमाएंगे, इस साइड से इसको घुमाएंगे ऐसे, इस साइड में अगर इसको घुमा देंगे तो इसका फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू आपका ऐसा बनेगा इस प्रकार से, एक दो और तीन, एक दो और ये तीन, इस प्रकार से ये बनेंगे। यानी कि फर्स्ट एंगल में आपका जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश के अंदर आपका हमेशा जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट ऊपर आएगा और फ्रंट के नीचे टॉप आएगा और फ्रंट के साइड में साइड रहेगा। बस फर्क इतना सा है कि अगर आपका चेंज होगा तो ये आपका चेंज हो सकता है कि फ्रंट इधर या इधर, ये डिपेंड करेगा आपके चित्र पे कि चित्र पे राइट हैंड में दिया हुआ है या लेफ्ट हैंड में दिया हुआ है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और जैसे कि आगे आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस के अनुसार ये चीज़ भी आप समझ जाओगे।